चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। पहले अमेरिका के आसमान में दिखे चीन के जासूसी गुब्बारे और दक्षिण चीन सागर के ऊपर दिखे अमेरिकी फाइटर जेट की वजह से दोनों देशों के बीच टकराव के आलात बन गए और चीन की ओर से दावा किया गया है कि अमेरिका ने जासूसी के मकसद से अपना एक फाइटर जेट दक्षिण चीन सागर के आसमान में भेजा था, जिसे चीन के विमान ने खदेड़कर वापस भी लौटा दिया। महासागर में महासमर की तैयारी, चीन अमेरिका में होगी वर्चस्व की जंग। दक्षिण चीन सागर में घुसा अमेरिका का विध्वंसक फाइटर जेट। चीनी गुब्बारे के बाद अब चीन के इलाके में अमेरिकी प्लेन घुसने के दावे से हड़कंप मच गया है। विश्व की दो महाशक्तियां फिर एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। जब से अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है, तब से दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ये तनाव अब और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर के ऊपर पैरासेल द्वीप के पास एक अमेरिकी विमान को देखा गया। चीन की ओर से दावा किया गया है कि हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस एक चीनी J-11 फाइटर जेट ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिकी नौसेना के टोही जेट को रोक दिया। चीन का आरोप है कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर के ऊपर से टोही विमानों को उड़ाकर चीन की जासूसी करना चाहता है। बताया गया कि अमेरिकी नेवी का सर्विलांस एयरक्राफ्ट जब दक्षिणी चीन सागर में 21,500 फीट की ऊंचाई पर था, तो उसी समय चीनी जेट उसके सामने आ गया था। अमेरिकी नेवी के सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8 पोसाइडन के पायलट को चीनी सेना के एयरफोर्स से चेतावनी दी गई, जिसके बाद ये विमान अपने बेस पर लौट गया। अमेरिका के P-8 और चीनी फाइटर जेट के बीच टकराव की स्थिति पैरासेल द्वीप समूह के उत्तर में थोड़ी दूरी पर हुई। इस पूरे इलाके पर चीन और वियतनाम दोनों दावा करते हैं। चीन पूरे क्षेत्र को अपना बताता है और उसने कई आर्टिफिशियल द्वीप, सैन्य ठिकाने, रनवे का निर्माण किया है। पैरासेल द्वीप में ऐसा ही एक सैन्य अड्डा है और चीन आसपास के 12 समुद्री मील में हवाई क्षेत्र को अपना बताता रहा है। इससे पहले भी चीनी और अमेरिकी सेना के बीच समुद्र में टकराव हो चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर आमने सामने आ गए। साउथ चाइना सी या दक्षिण चीन सागर पर तनाव कोई नई बात नहीं है। तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन इसको अपना पूरा हिस्सा मानता है, जबकि फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और ब्रुनोई भी इसमें अपना हिस्सा होने का दावा करते हैं। चीन यहां पर लगातार निर्माण कर रहा है। साउथ चाइना सी में करीब 130 छोटे बड़े द्वीप हैं। लगभग सभी द्वीप निर्जन है। ये इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है। चीन 1947 के नक्शे के आधार पर चीन सागर के 80% से अधिक पर अधिकार जताता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यापार हो या फिर सैन्य ताकत, दोनों ही मकसद से दक्षिण चीन सागर काफी अहम हो जाता है। चीन इसको अपना रणनीतिक हब बनाए हुए है। इसके अलावा यहाँ पर संसाधनों की भी भरमार है। यहाँ पर कच्चे तेल के रिसोर्स की बात सामने आई थी। उधर अमेरिका चाहता है कि चीन इस इलाके पर पूरी तरह से कब्जा न कर पाए, इसी वजह से उसके जहाज और युद्धपोत इसकी सीमा में दाखिल हो जाते हैं।